दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पर 10 मुहर्रम जुमे वाला दिन है, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ा रहे हैं कि कयामत जो आएगी वो 10 मुहर्रम जुमे वाले दिन आएगी और इस पर वो दिन आ गया, इसीलिए इस साल कयामत आएगी। मगर वो लोग ये नहीं जानते कि जब तक कयामत की तमाम निशानियां पूरी ना हो जाए तब तक कयामत नहीं आ सकती, और अभी तक कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी भी नहीं हुई, जैसा कि दज्जाल नहीं आया, याजूज माजूज नहीं आए, इमाम मेहदी का जहूर नहीं हुआ, हजरत ईसा अलैह सलाम नहीं आए, तो अभी तक कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी ही नहीं हुई, तो कयामत कैसे आ सकती है? और जुमे के दिन कयामत आएगी ये तो हदीस से साबित है, मगर 10 मुहर्रम जुमे वाले दिन कयामत आएगी ये हदीस में नहीं मिलता। अगर मान भी लिया जाए कि 10 मुहर्रम यानी जुमे वाले दिन कयामत आएगी, तो कयामत की निशानियां पूरी होने से पहले कयामत नहीं आएगी, और अभी तक कयामत की निशानियां पूरी नहीं हुई तो कयामत अभी नहीं आएगी, अभी कयामत के आने में वक्त है, उसका इंतजार करें। इन चीजों पर ध्यान देने से पहले अपने आमाल अपने ईमान पर ध्यान दें, अपने ईमान की हिफाजत करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के दरमियान जो अफवाहें उड़ी हैं वो खत्म हो सके।